नमस्कार। नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा प्रसारित की जा रही साक्षात्कार की श्रृंखलाओं में जिसका नाम हमने दिया है आपकी मेरी बात, आज बहुत एक प्रसन्नता की बात है कि हमारे जिले के एक बहुत प्रतिष्ठित शिक्षाविद, एक साहित्यकार और विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानीय स्थिति से सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्तित्व से आज आप मुलाकात करेंगे, इनको सुनेंगे। आपका नाम है आमिर अहमद सुमन साहब। सुमन साहब को लेकर एक मिस्ट्री भी है जो मैं साक्षात्कार शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा उत्सुक हूँ जान लेने का, और हमारे श्रोता जो प्रबुद्ध हैं वो भी इस बात को समझें कि ऐसा मुश्किल से होता है कि किसी आदमी का नाम शुरू हो रहा है आमिर अहमद और वो लगा रहा है सुमन। सुमन के एक थोड़ा सा आभास ऐसा होता है कि वो आदमी कुछ ललित करैक्टर का है, मतलब जैसे श्रृंगार का है, या वो कविताएं लिखता है, या कुछ अलग तरह की अनुभूतियां रखता है जीवन में। तो सुमन साहब, पहले तो आप ये बताएं हमारे श्रोताओं को और हमें भी कि सुमन शब्द कैसे जोड़ लिया अपने जीवन में अपने नाम के साथ। नमस्कार। नमस्कार। ये एक अजीब संयोग है जी कि मैं आमिर अहमद खान था। अच्छा। लेकिन 1986 में जी मेरे एक बहुत अजीज मित्र थे श्री जयंतीलाल सुमन। अच्छा। उस वक्त मैं बकानी में था, मोबाइल वगैरह थे नहीं, चिट्ठी से ये समाचार मिले कि जयंतीलाल सुमन की डेथ हो गई। अकेला रहता था बकानी में, एक छोटा सा कमरा था। जैसे ही जयंतीलाल की डेथ की खबर सुनी जी, एकदम से ख्याल आया कि मेरा इतना अच्छा दोस्त, जैसे उम्र में तो वो बड़े थे लेकिन दोस्ती हमारी बड़ी गहरी थी, साथ साथ रहे थे पाड़वा गाँव में हम लोग, और मुझे काफ़ी कुछ ज़िंदगी में मार्गदर्शन उन्होंने दिया था। मैंने सोचा यार उनके कोई औलाद ही नहीं, और अब तो जयंतीलाल का खोज ही मिट गया एक तरह से, उसको कौन कल को याद करेगा, उसके भाई के बच्चे थे, भाई थे, सब कुछ था, क्यों ना जयंतीलाल का नाम अपन अमर करें। और मैं जब सुबह उठा तो मैं निर्णय कर चुका था कि खान हटाऊंगा और सुमन लगाऊंगा। क्या बात है, दोस्ती की मिसाल कायम कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। क्या बात, क्या बात? मैंने अपने नाम के साथ से खान हटा के सुमन लगाया। उस वक्त तक मेरे दोनों बच्चों के नाम, एक बच्चे का नाम तो मैं रख चुका था क्योंकि वो 82 में उसका जन्म हुआ था, बड़े वाले का जी। कुछ एक बिजीवेश का भी मुझ पर असर था, हम लोग सरनेम को वैसे भी पसंद नहीं कर रहे थे। मैं बिजीवेश से बहुत जुड़ा रहा हूँ 1992 से जी। सबसे पहले मेरी वाइफ के नाम के साथ भी मैंने कहा कि कोई जातिगत नाम मत लगाओ, मेरा नाम काफ़ी है। तो सईदा के साथ मैंने अमीर लगाया ठीक, बच्चों के नाम के साथ भी अमीर लगाया। लेकिन इस बीच में जब मैं सुमन हुआ तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, बच्चों के नाम तो रख चुका था, मैंने मेरे पोतों के नाम रखे के आर सुमन और आर आर सुमन। क्या बात। और बाकायदा उनकी जन्मपत्री में दे दिया नाम, ताकि कम से कम मेरे पोते जब तक जिंदा रहें तो सुमन का नाम जिंदा रहे। क्या बात, क्या बात। तो मेरा बड़ा पोता कैफी रशीद सुमन और छोटा पोता रूफी रशीद सुमन, सुमन उनके पहले से लगा दिए मैंने, ताकि मेरे बच्चों के नाम, बच्चों के पास चॉइस छोड़ी नहीं, अपने आप नाम रखा रखाया मिल गया यार। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जिस गली में मैं रहता हूँ वो भी सुमन मार्ग हो गया। क्या बात, क्या बात। तो वो आज भी सुमन मार्ग से, आप चाहें तो सिर्फ आमिर अहमद भी नहीं करें, खाली सुमन और सुमन मार्ग टोंक लिख दें तो डाक मेरे पास आ। क्या बात, क्या बात। तो एक श्रद्धांजलि है दोस्ती की और अपने आत्मीयता की। कोई पराकाष्ठा हो सकती है तो वो आपके साथ देखी जा सकती है। इसी आदर भाव के साथ मैं अब बात शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे श्रोताओं ने ये तो जान लिया कि हम किस तरह के व्यक्तित्व को आज हमसे मुखातिब हैं वो, और हम क्या सुन, इस सुमन की वजह से कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है मैं कोई कवि हूँ। ईमानदारी की बात है, मेरा कविता से या मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कवियों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ पोएट्री से मैं बहुत दूर हूँ और उस मामले में मैं बहुत पिछड़ा हुआ भी हूँ। तो सुमन साहब, आप टोंक कब आए?
देखिए कहानी बहुत छोटी सी है, जी। क्योंकि मैं लघु कथाकार हूँ, इसलिए अगर कहूँ तो छोटी सी बात बता दूँ। जब मैं यहाँ से गया था, मैं 2 साल का था, मेरी माँ की गोद में गया था। कहाँ गए? टोंक से निकल करके नुआ गांव, अच्छा। मेरे पापा की दुकान वो थी, हकीम थे यूनानी के, तो वो अच्छा। नौकरी थी। तो जब मैं टोंक से निकला, उस वक्त मैं 2 वर्ष का था, मेरी माँ की गोद में गया। जी। जब मैं टोंक में आया तो मेरी वाइफ की गोद में मेरा बड़ा बच्चा 2 साल का था। अरे वाह, कहानी खत्म। आपके आपके लाइफ में इंसिडेंट्स बहुत सुंदर हाँ, हैं। ये एक बड़ा एक संयोग है। जन्म मेरा सिरोंज में हुआ, जो सिरोंज उस समय टोंक रियासत में था, रियासत में था। लेकिन 1952 में फादर नुआ शिफ्ट हो गए, जी। तो पहली सर्विस उनकी नुआ गांव में लगी। यूनानी में हकीम थे मेरे वालिद, तो यूनानी दवा खाने में वो चले गए। तो मेरी जो आँख खुली जी, वो शेखावाटी में खुली, अच्छा। नुआ झुंझुनू के पास में, हाँ, वो नुआ जो रणबांकुरा का हाँ बड़ा हाँ वो है, जहाँ के अब कायम खानी IAS जो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ का टोंक अंदाजन किस वर्ष में आप टोंक? मैं दरअसल टोंक आया शादी करने के लिए। 79 में मेरी शादी हुई, अच्छा। उस वक्त मैं शादी करने आया, और शादी करके मैं चौथे दिन चला गया था। और फिर क्योंकि मेरी सर्विस डूंगरपुर थी, और मैं डूंगरपुर में ही रहा, और 1990 में मैं बाकायदा टोंक टोंक आया था। कोठीनाथ तमाम ट्रांसफ़र होके आया, और 1990 से लेके फिर मैं वाह, आज किस तक। पोस्ट पे थे आप कोठीनाथ तमाम में? मैं एज ए लेक्चरर आया एज ए था, लेक्चरर, अर्थशास्त्र पढ़ाता था मैं, अच्छा अर्थशास्त्र अच्छा के व्याख्याता के रूप में आया, और उसके पहले मैं बकानी था। और अगर कहानी चले जी। सर्विस की, तो मेरी पहली पोस्टिंग भी डूंगरपुर थी, अच्छा, क्योंकि ईमानदारी की बात है कि फादर जहाँ जहाँ घूमे मैं साथ साथ गया। ठीक है। मेरी एजुकेशन नुआ गांव 5वीं तक, 6ठी 7वीं झुंझुनू, 8वीं क्लास बासनी नागौर अच्छा डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा 9वीं क्लास बासनी नागौर में SKL के, और 9वीं के बाद 10वीं और 11वीं, उस वक्त 12वीं नहीं होती थी, दसवीं ग्यारहवीं डूंगरपुर। BA मैंने डूंगरपुर से किया, MA मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया, जो अच्छा मुझे गर्व है इस बात का कि मैं GCA का स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ। रहे हैं। और उसके बाद मैं PWD में सर्विस करने चला गया, लेकिन वो सर्विस मुझे चूंकि पसंद नहीं आई, और मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा सिर्फ इसलिए दिया कि मेरा BEd में सिलेक्शन हो चुका था, और BEd भी मुझे विद्या भवन उदयपुर मिला। बहुत वो अच्छा, भी एक मेरे गर्व की बात बहुत थी बड़ा सुंदर, अच्छी कि व्यवस्था, विद्या भवन का स्टूडेंट बहुत होना अच्छा अपने आप में। स्कूल और मेहता साहब को मैंने सुना है, और मैं उनके सानिध्य में रहा, मैंने 2 प्रोग्राम अटेंड किए। बड़े गर्व से हम कहते हैं कि मेहता साहब को हमने सुना, और मैं उनकी संस्था में रहा, क्योंकि विद्या भवन उन्हीं की थी। डूंगरपुर में मैंने सर्विस कर ली, और सन 76 में मैं सर्विस में लग गया। अच्छा। तो टोंक जब आप आए तो कुछ पुरानी बातें हो जाएंगी साथ में कि कहाँ कायम किया आपने और। देखिए चूंकि ससुराल था, अच्छा टोंक में शादी की थी तो ससुराल भी था, जी। और फादर ने चूंकि कहीं मकान नहीं बनाया था, हाँ और इसके पहले तक काफले में मेरे दादा की हवेली थी, लेकिन मेरे दादा क्योंकि उसमें लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर पर्शियन के लेक्चरर थे, क्या बात, पार्टीशन के अंदर वो उधर लाहौर ही रह गए, फादर इधर रह गए, तो दादा चूंकि उधर रह गए तो वो हवेली भी कस्टोडियन में चली गई। हमारे पास कोई रहने को जगह नहीं थी, ठीक मेरे है। फादर को बनाने का कोई ऐसा भी नहीं था। वैसे मेरे फादर असिस्टेंट डायरेक्टर यूनानी से रिटायर अच्छा, हुए, क्या अजमेर बात, से। क्या बात, उस समय अजमेर डायरेक्टरेट हुआ करती हाँ थी हाँ यूनानी की, और मेरे फादर राजस्थान के दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उसके पहले तक असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट ही पोस्ट नहीं नहीं होती होती थी। थी, फादर ने कुछ बनाया, लेकिन मैं जब 1990 में आया तो आते ही ससुराल चला गया, उसी में रहा 2 साल तक, मैं वहाँ रहा सन 92 तक। अच्छा और जी। मेरी माँ के साथ जब कभी कभी हमारी माँ हमें लेके आती थी, तो बहिर एक बार मैं गया था, उस वक्त मैं शायद 7वीं 8वीं पढ़ता था, तो मुझे बहिर का वातावरण इतना अच्छा लगा कि मन में एक सपना था कि मैं भी बहिर में एक मकान बनाऊं, अरे वाह, और ठीक वो है, सपना साकार हुआ जाकर के 1993 में अच्छा, मैंने वहाँ पर एक काफी मकान जल्दी ही, बनाया। कम समय में हो गया। हाँ, वो उस समय क्या था कि बहिर में मुझे एक तो एकांत चाहिए था, मैं एकांत
सोच रहा था। और आप यकीन करें, जब मैंने वो मकान बनाया और बनते हुए मकान में जो मेरे हितेशी आए, उन्होंने मुझसे कहा, ये पागल हो रहे हो, यहाँ मकान बना रहे हो इतना पैसा लगा के, ये जो सामने रह रहे हैं कलंदर और नीच बंदर वाले, तो तुम्हें लूट खाएंगे, तुम यहाँ कैसे रहोगे। मैंने कहा, नहीं भाई, जैसे भी हैं, पर ये ऐसे हैं कि यहाँ रो तो कोई चुप कराने नहीं आता और नाचो तो कोई देखने नहीं आता, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, तो अपने अपने कामों में मस्त हैं। तो मेरा एक सपना था कि मैं बहीर में मकान बनाऊं, और वो सपना मेरा ऊपर वाले ने पूरा किया। जिला मुख्यालय पर डाइट संस्थान है, आप उससे भी जुड़े रहे हैं। इसकी भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है जी। 1992 में, 92-93 के अंदर मैं 90 में टॉक आ गया था, कोठीनाथ अमाम में मैं रहा, और वहाँ पहला ही बेज राजस्थान में स्कूलों के अंदर NSS चलाने का शुरुआत हुई। और उस पहले ही बेज की जब ट्रेनिंग हुई, तो हम टोंक से दो व्यक्ति गए थे, मैं और एक दिनेश शर्मा हैं जो अभी रिटायर हो गए, हम दोनों, और एक निवाई से कोई गए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, हम दोनों बिट्स प्लानी जाकर के 21 दिन की ट्रेनिंग करके आए। अच्छा। और वहाँ से आकर के, और KR चंडोक हमारे इंस्पायरर थे, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा तैयार किया वहाँ। NSS में जो कुछ भी मैंने किया, एज ए गेस्ट डाइट के प्रिंसिपल आए और उन्होंने जब हमारा कैंप देखा, मेरे वो लेक्चर अटेंड किए उन्होंने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप स्कूल के लायक नहीं, आप तो डाइट के लायक हो, आप डाइट आ जाओ। अजय, मैंने कहा साहब मैं तो यहीं ठीक हूँ, मेरे क्या मतलब है। और उस वक्त तक मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन क्रिसमस से 1992 में मेरा ट्रांसफ़र टोंक से कर दिया गया। अच्छा। और बड़ा हम परेशान हुए कि यार बड़ी मुश्किल से वतन मिला था, और फिर निकाल दिए गए। हम जाके डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिले, वो सवाई सिंह जी थे, बड़े खानदानी राजपूत थे। उन्होंने कहा, देखो भाई, अच्छा उसी बीच में 1992 में मुझे राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे, अच्छा उसके पीछे कारण था, मेरी डूंगरपुर की आदिवासियों की सर्विस, उन लोगों का मेरा काम, उन लोगों में मैंने जो कुछ किया, और फिर यहाँ NSS में जो कुछ किया, उसकी वजह से। और उसी बीच में मैंने अंबेडकर पर एक छोटी सी किताब लिखी थी, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर अंबेडकर। उस किताब से विभाग कुछ इतना इम्प्रेस हुआ और मुझे खैर सम्मानित किया, तो मैं सवाई सिंह जी के पास गया, मैंने कहा मुझे सम्मानित भी कर रहे हो, ट्रांसफ़र भी कर रहे हो। तो उन्होंने बड़े उससे कहा था, देखो जी मियाँ जी, कहीं लिखा हुआ नहीं था कि आप सम्मानित हो, लिस्ट आई थी, हमने आपका ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक आप बोलो क्या चाहते हो। तो मैंने कहा साहब मैं अब उस स्कूल में तो नहीं जाऊंगा, मुझे डाइट भेज दो। उस पहले मुझे वो प्रिंसिपल साहब कह चुके थे कि मैंने आपके लिए दो चिट्ठियां लिखी हैं डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को, कि ये आदमी हमें दिया जाए। मैंने उनसे कहा साहब मेरे नाम की चिट्ठियाँ आई हुई हैं। खैर वो गए, और उन्होंने उसी समय बाबू को बुलाया और कहा कि डाइट से कोई चिट्ठी, हाँ साहब लाए लाकर। हाँ साहब ये चिट्ठी तो आई थी, लेकिन अब वर्तमान में पोजीशन क्या है वहाँ की अपन को ये नहीं मालूम। तो मुझे आज तक याद है, उन बड़े उससे कहा था तुझे राय देने के लिए नहीं बुलाया, तू तो ये बता चिट्ठी है नहीं बता है, तो ठीक है मियाँ जी जाओ। 10वें दिन मेरे पास कैंसिल के ऑर्डर आ गए। उस 10 दिन तक कलेक्टर थे यहाँ BN शर्मा, उनके साथ मैंने साक्षरता में काम किया था। जी जी जी। BN शर्मा ने इतना ज़रूर कहा था कि सुमन साहब आपको ट्रांसफ़र तो हो गए हो, लेकिन रिलीव मैं करूँगा। तो उस वक्त तक मुझे रिलीव नहीं किया गया था, और उन्होंने कहा था कि ठीक है आपका स्कूल अगर अटेंडेंस नहीं कराता है, आप मेरे ऑफिस में अटेंडेंस करो। और मैंने 15 दिन तक वहीं साइन किए थे और वहीं रहा था। खैर वो तो वहाँ से ही आप सेवानिवृत्त हुए। मैं डाइट चला गया था 93 में, और 2009 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। डाइट मेरे लिए स्वर्ण काल है, ठीक, क्योंकि ट्रेनिंग, व्यक्ति का व्यक्तित्व, कुछ कहने की कला अगर सीखी तो मैंने वहाँ सीखी। कैसे सीखी कि मैं डाइट जाने के बाद मैं SIRT उदयपुर, NCERT दिल्ली जी, अजमेर और बीकानेर जाकर के मैं ट्रेनिंग लेता रहा, और फिर मैं ट्रेनिंग देता रहा और मैं मैन ऑफ ट्रेनिंग हो गया। ठीक। और उसी बीच में मैंने शोध पर काम करना शुरू करा जी। 8 या 10 शोध ऐसे हैं जो मैंने करके SIRT को दिए, विभिन्न आयाम पर थे। और ट्रेनिंग का वजह होने की वजह से 1998 से मैं 2011 तक लगातार डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग से जुड़ा रहा, इलेक्शन की, और उसकी वजह से समस्त DLOs के साथ मेरा एक लाइजन बना रहा। मुझे पूरा सम्मान मिला DLOs की तरफ से, बड़ा प्यार मिला, आदर मिला, और शायद डाइट की वजह से ही पूरे ज़िले ने मुझे जाना सही, क्योंकि 1993 से लेकर के 2009 तक
जितने भी थर्ड ग्रेड टीचर गाइड से ट्रेनिंग लेके आए वो मेरे स्टूडेंट थे। सही। और हर साल 50 बच्चे ट्रेनिंग करके निकल रहे थे। तो मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया कि मुझे सब जगह से प्यार मिला। और जैसा कि आप कह रहे थे कि काफ़ी कुछ दुनिया जानती है, तो वो सिर्फ ड्यू टू डाइट। ठीक कहा आपने, ये ईमानदारी से भरी स्वीकृति है आपकी। लेकिन थोड़ा से कुछ पहलू आप छोड़ रहे हैं, जो जैसा हमें पता है कि लोगों ने और तरह भी जाना आपको, जैसे आप रोटेरियन रहे, काफ़ी सम्माननीय पद पर रहे, अभी भी हैं, और भी कई, जैसे आपके ये वाइल्ड लाइफ के लिए है या कलंदर बस्ती के लिए आपका योगदान है, तो वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, डाइट में आने के बाद सोशल सर्विसेज से मैं जुड़ा जी। आप यकीन करेंगे कि मैं 1998 तक शिकार का और गोश्त का बहुत शौकीन था। ठीक है। और खूब शिकार किए। हाँ। डूंगरपुर में तो शिकार की कमी नहीं थी जी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, मुझे कहीं ना कहीं मेरे में, मेरे संस्कारों में जैनिज्म का धीरे धीरे प्रभाव होने लगा। और वो इतना होने लगा कि मैं एक दिन लेटे लेटे मेरे दिमाग में एक हिरण का जो आंखें थी वो मेरे दिमाग में घूमी, और मुझे लगा कि यार उस हिरण को शिकार करके लाए थे उसकी आंखें कैसी थी, वो आज भी मेरे दिमाग में घुसी। वो मासूमियत आपको, वो मासूमियत, और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने गोश्त नहीं खाया। क्या बात। और उस दिन से मैंने बिल्कुल नॉन वेज को हाथ नहीं लगाया। जब मुझे कौन रोकने वाला है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, सब कुछ है। मैं और उस दिन से मैंने जीव दया का जो प्रण लिया, और इस प्रण लेने के पहले मैंने सबसे पहले नमक छोड़ा। ठीक है। क्यों, मैं जैन मुनियों को, मैं मुनि तरुण सागर से ज़्यादा प्रभावित रहा, तो तरुण सागर जी का मेरे पर बड़ा असर था। तो मैंने सबसे पहले नमक छोड़ा। नमक कैसे छोड़ा, अगर डाल दिया है तो ठीक, और नहीं डाला है तो ठीक, अब ऊपर से नहीं डालूंगा। पहला प्रण मैंने ये शुरू किया। उसके बाद मैंने तय किया कि मुझे मीट नहीं खाना, तो मैंने मीट नहीं खाया और आज तक नहीं खाया। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि संध्या दिया बत्ती के बाद मुझे चाय नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। मेरे को दोपहर का खाना नहीं, मैंने एक टाइम खाना, 1998 से मैं एक टाइम खाना खा रहा हूँ। अच्छा। और उसमें फिक्स है मेरे 3 फुलके, दाल और चावल और एक सब्जी। अगर कोई बहुत ही फेस्टिवल है तो मैं पापड़ और दही ले लेता हूँ, वरना नहीं। ठीक। सुबह का खाना नहीं खाता मैं, दिन भर किसी तरह का सुबह का चाय पराठा या कोई और चीज़ें, ऑमलेट वगैरह कुछ नहीं खाता मैं, और दिन भर चाय पीता ज़रूर हूँ। और लोग बहुत से कहते भी हैं कि साहब वो चाय इतनी ज़्यादा मत पिया करो, फ्यूचर में फिर क्या होगा, तो मैं कहता हूँ मेरा फ्यूचर बचा ही नहीं। अब थोड़ा सा अपन अपने बातचीत को अलग दिशा दें, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ना कि जन जन का कवि है फलाना फलाना, ऐसे ही इस जिले में आपको आम जन का आदमी माना जाता है। हर आदमी आपको आपके करीब महसूस करता है, आपको अपने करीब महसूस करता है, ये धारणा है। अब इसको आप सम्मान कहें या उनका प्यार कहें, लेकिन आपके लिए है ऐसा। लेकिन इस सब के बाद भी आपका एक क्षेत्र और खुला पिछले दशक से, कि आपकी वो बातें भी सामने आई जिसमें आपको हमको लगा कि आप एक, आपकी संवेदनाएं, आपकी अनुभूतियां हैं कागज पर उतरने लगी और अलग रंग बिखेरने लगी। तो इस दिशा में आप थोड़ा सा बताएं कि जैसे आपके दो कथा छोड़ लघु कथा संग्रह भी आ चुके हैं, और अभी भी आप लेखनकार से जहाँ तक मुझे विश्वास है आप जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे तय किया आपने कि आप लघु कहानी ही लिखेंगे या और कुछ भी लिखा है आपने? सवाल बहुत बढ़िया है। हाँ। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि सोशल सर्विसेज में आने के बाद जी सबसे पहले मैं NSS से जुड़ा। NSS के साथ ही मेरे में थोड़ी समाज सेवा की बात आई। फिर सबसे ज़्यादा असर पड़ा मेरे पर साक्षरता आंदोलन का। ठीक। उसमें हम अंदर झोंपड़ियों तक गए, ये कंपू टोंक का जिसको आज आप बहुत अच्छा कह रहे हो, बट मैंने इसके अंदर कीचड़ को बहते हुए देखा। और यहाँ के महिलाओं से और यहाँ के लोगों से मिलने के लिए मैंने जुएं मारने की दवाई तक बांटी है, ताकि किसी तरह से ये हमें अपने घर में एंट्री दे दें और हम साक्षरता की बात करें।
उसके साथ ही फिर मैं रोटरी से जुड़ा। रोटेरियन होने के नाते, साक्षरता का एक सिपाही होने के नाते, मैं सबसे पहले कलंदर बस्ती में घुसा विद माय वाइफ। मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल था। हमने सबसे पहले, क्योंकि मेरा घर बहुत लंबा चौड़ा था, 100 वाट का बल्ब जला करके और बच्चियों से कहा तुम सतोलिया खेलो। क्या बात, क्योंकि बच्चियों को कोई खेलने नहीं देता, मुस्लिम बच्चियां थी जो आसपास के जो थे। सतोलिया खेलने से उनके रेगुलर हमारे घर आने लग गए। हमने धीरे से उनको स्लेट पकड़ा दी। फिर हम कभी बैठ के बातें, मेरी मिसेज ने कहा अच्छा मैं तुम्हें कल में सिखाऊंगी, अब तुम ये करो, तुम दुआ पढ़ो, तुम ये करो, अब खाना खाने की दुआ, इसके दुआ, ऐसे करते करते फिर उन बच्चों के लिए बड़ी एक मुश्किल थी कि उनके पास छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती थी। तो हमने कहा कि ऐसा करो कि 2 रुपया एक सप्ताह में लाओ और वो सब इकट्ठे हो जाए, किसी एक पे नाम चिट्ठी खोल दो। वो लॉटरी खोलना शुरू की। मुझे आज तक याद है मेरी बच्चियां कुछ ऐसी हैं जिन्होंने पाजेब खरीदी, उन दिनों 80 रुपये 100 रुपये में पाजेब आ जाती थी। तो वो एक चले, तो तब मुझे लगा कि यार यहाँ कुछ है। तब फिर हम गर्म कपड़े, खाना, ये लेकर के बस्ती में घुसे। आज की तारीख में कलंदर बस्ती, जो जिन लोगों ने कहा था कलंदर बस्ती तो लूट लेंगे, सबसे बड़ा सपोर्ट अगर मुझे है, शायद मेरे मरने पर सबसे ज़्यादा रोएंगे तो ये कलंदर। मैंने और मेरी वाइफ ने इन लोगों को इतना अपनाया, आज वहाँ एजुकेशन है, आज वहाँ पर धार्मिक शिक्षा है और दुनियावी शिक्षा है। फिर मैं उसी के साथ हमने जुड़ा बाल श्रमिक विद्यालय। आज बाल श्रमिक विद्यालय बच्चे 3 या 4 बच्ची ऐसी हैं टोंक में जो बीएड कर रही हैं, बीए कर रही हैं, और वो भी कलंदर बस्ती की। तो वो इस चीज़ को चलते, फिर एज ए रोटेरियन, रोटरी में भी मुझे पूरा सम्मान मिला, मैं असिस्टेंट गवर्नर तक मिला। और मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा गर्व होता है कि रोटरी में हमारे यहाँ सबसे बड़ा सम्मान होता है MPHF डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, मैं पहले PHF बना। PHF का मतलब है $10,000 अगर दान देते हैं तो वो पॉल हैरिस फेलोशिप मिलती है उसको। लेकिन जो $20,000 दान करता है उसको मल्टीपल पॉल हैरिस मिलती है। और इस टोंक जिले के अंदर एक, हम दो ही MPHF हैं, एक तो डॉक्टर बेरवा और दूसरा मैं। क्या बात, और ये रोटरी ने मुझे इतना सम्मान दिया कि इस रोटरी की वजह से मैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाना जाने लगा। और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो रोटरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आज गुजरात के जितने भी लोगों ने, मालूम है सुमन कोई है, तो वो ड्यू टू रोटरी। और मैं रोटरी को ही इसका पूरा श्रेय देता हूँ। और रोटरी की भावना से ही मैं आज समाज से जुड़ा हुआ हूँ, जन जन से जुड़ा हुआ हूँ, जैसा आप कह रहे हैं। ये चीज़ें जो आई हम लोगों में, ये इसी की वजह से आई, क्योंकि रोटरी जो भावना है वो एक शायद कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म की, जैन धर्म की, और वर्तमान जो है कि जियो और जीने दो, सही, ये ईमानदारी से वही है कि हमारे यहाँ जैसे इस्लाम धर्म में कि अगर पड़ोसी भूखा सो गया तुम्हारी रोटी तुम पर हराम, सही, ऐसी हमारा जैन धर्म कहता है कि जियो और जीने दो, जब तक तुम जी रहे हो तो दूसरे को पहले जीने दो। और वर्तमान में भी, तो इसकी वजह से मैं जुड़ा। चूंकि हाँ, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं बातों से प्रभावित होकर जब मैंने एक एक की कहानी देखी तो मैंने चाहा कि ये बातें और भी जाने। ये मेरे जितने भी कहानी के चरित्र उठे हैं, ये कहाँ से उठे हैं? समाज से उठे हुए, मेरे घर से उठे हुए हैं, कहीं से मैं ढूंढ के नहीं लाया हूँ। मेरी, क्योंकि ये चीज मैं जान चुका था अभी तक, किसी को भी फुर्सत नहीं है उपन्यास पढ़ने की, किसी को भी फुर्सत नहीं है 50 पेज की कहानी पढ़ने की। आदमी कहता है 2 टूक जल्दी से बोल, ब्रीफिंग का जमाना आया। सही, सही, सही। और कहीं ना कहीं मैं खलील जिब्रान से थोड़ा प्रभावित हूँ, क्यों? खलील जिब्रान ने अपनी फिलोसफी, कोई उसने किताब नहीं लिखी थी, खलील जिब्रान ने अपनी लघु कथाओं के माध्यम से ही अपनी फिलोसफी दी है दुनिया को, और इसीलिए वो एज ए फिलोसोफर माना गया है। उसका कोई वो नहीं, मेरी बात जो थी मुझे कहने की थी, और इसीलिए मैंने जनमानस की बात की है। मेरे कहानियों में कैरेक्टर का नाम नहीं है, किसी भी कहानी में कभी भी आप कैरेक्टर का नाम नहीं देखोगे। मेरी जितनी भी लघु कथाएं हैं उसके अंदर एक वचन और द्विवचन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है। उसने ये कहा था और मैंने ये कहा था, वो उसने ये कर दिया, क्यों? मैं डर गया, सच्ची बात बता रहा हूँ। नाम क्यों नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि कोई ना कोई नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। आजकल आदमी डंडा लेके बैठा रहता है, अच्छा ये नाम वाला है नकारात्मक क्यों, ये सकारात्मक क्यों नहीं।
हमने इस नाम का किस्सा ही खत्म कर दिया। आपके इन कहानी संग्रह में को लेकर एक छोटी सी बात कई बार मन में उठती है कि जैसे पहले कहानी संग्रह आपका तुम कौन हो, तो उस किताब हाथ में लेते ही ये सवाल आता है कि लेखक ये सवाल किससे कर रहा है। एक प्रश्न उठता है, ठीक है। उसके एक कुछ समय बाद फिर आपकी दूसरा कथा संग्रह आता है, अपन कौन है। हाँ, अपन कौन। तो ये जो एक सर्किल है सोच का कि पहले हम पूछते हैं तुम कौन हो, लेकिन वो आपके साथ समाप्त हो जाता है, आपसे एकाग्र हो जाता है और उसके बाद फिर आप दोनों संवाद करते हैं कि भाई अपन कौन है। तो ऐसी मस्ती नजर आती है आपके दोनों कथा संग्रह नामकरण को लेकर, थोड़ा सा इस बारे में। देखिए, तुम कौन हो, ईमानदारी की बात है कि उस समय तक सोच जो है हमारे देश में क्या विश्व में जी, बदल रही थी। और आम आदमी जो है वो इंसानियत की बात नहीं करके वर्ग विशेष की, धर्म विशेष की बातें कर रहा था। ठीक कहा आपने। तुम कौन हो में मेरी कहानी का कैरेक्टर जो है मरने के बाद जब खुदा के सामने जाता है तो पूछता है वहां पे चौकीदार के, भाई तुम्हें किस बाड़े में भेजूं, कौन हो तुम। साहब मैं सनातन हिंदू हूं और बड़ा, अरे मैं भागो यार। फिर कहता है साहब मैं तो इस्लाम धर्म का बहुत मान लो, कलमा पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत, नहीं 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 तुम भी जाओ। ऐसे करके कहता है मैं सनातन हूँ, मैं कहता है मुसलमान हूँ, मैं कहता है मैं सिख हूँ, वो कहता है ईसाई हूँ। आखिर में वो कहता है कि दरवाज़ा बंद करता है कि नहीं नहीं, और जाकर के ईश्वर के सामने नतमस्तक कहता है कि हे भगवान आज कोई भी इंसान नहीं आया। बस ये कहानी मुझे इंसानियत का वो देना था और मेरा एक मैसेज ये था कि ये हम कब तक धर्मों में और वर्गों में बटे रहे। ये क्यों नहीं कह रहे कि हम इंसान। लेकिन एक बड़ी बात को स्थापित किया, एक वो चीज, लेकिन आने वाले 5-7 साल के अंदर वो इतना जबरदस्त ये बीमारी फैली कि मेरे पोते ने एक दिन मुझसे सवाल किया कि पापा अपन कौन, क्या बात है। तो मैंने कहा बेटा अपन तो टोंक वाले हैं। तो कि नहीं टोंक वाले नहीं है, तो बेटा राजस्थानी है। कि नहीं नहीं राजस्थानी भी नहीं पापा, कुछ और, अपन तो कुछ और हैं। कह रहे बेटा तो क्या अपन मुसलमान है। नहीं उस समय तक वो नहीं कहता, वो कहता है कि मैं टोंक वाला हूँ, अपन राजस्थान के, अपन हिंदुस्तानी है, सब कुछ। तो मेरा पोता आकर के कान में धीरे से कहता है कि नहीं वो मेरा दोस्त कह रहा था तुम तो मुसलमान हो। ये जो चीज थी, तब वो मेरा पोता आके घर में पूछ रहा मुझसे कि अपन कौन है। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये वैमनस्यता, ये चीजें स्कूलों तक जा चुकी हैं, मासूमों के दिलों तक जा चुकी हैं। और अब मासूम जो, अब पोता मेरा, और ये सच्ची कहानी, ये झूठी कहानी नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। उसने आके कहा मुझसे, उसने इस तरह से तो नहीं कहा, बाकी तो मैंने लफाजी की है, कहा ये था कि पापा वो तो कहते हैं तुम तो मुसलमान हो। सही। तो ये चीज मुझे कहीं कचोट गई और मैसेज देना चाह रहा था, दे पाया कि नहीं पाया। नहीं, ये तो बहुत सुंदर बात कही आपने। अब प्रोग्राम को समाप्त करने पहले और समय की बातें का वो देखते हुए मैं बस थोड़ा सा ये जरूर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, कुल लेखन कार्य चल रहा है अपना, ऐसी हमें तो विश्वास है कि चल ही रहा होगा। देखिए 25 मार्च को अचानक ये कहा गया कि कल से घर से नहीं निकलोगे। ठीक है, 25 मार्च 1919 की बात कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि मैं पुलिस वालों से बहुत डरता हूँ मैं, क्योंकि इज्जत सबको प्यारी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज में मेरी गिनती समझदारों में होती है, तो समझदार की मौत पहले आती है। तो डर के मारे में निकला ही नहीं कि यार कोई एक सिपाही या कोई एक कोई वो जो होता है सिंपल सा आदमी कहे गए चाचा जी कहाँ जा रहे हो, घर में जाओ, तो एक इंसल्ट महसूस। तो हमने कहा, फिर हमने बाहर निकलने की जरूरत क्या है जब बाजार ही बंद है, ऑफिस बंद। मैं महीना भर तक तो बड़े आराम से रहा। एक महीने के बाद, क्योंकि मेरी दिनचर्या ऐसी है, बहुत छोटे में कह रहा हूँ कि मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, शाम को 7 बजे से पहले घर में नहीं आता। और मुझे बाजार में ही रहने का शौक है, समाज में रहने का शौक है। बचपन में मेरे पिताजी ने सदा मुझे इसीलिए पीटा के बाहर क्यों गए थे और मैं आज तक बाहर हूँ। ठीक है, कोरोना की वजह से महीना भर तक तो मैं निकला नहीं। उसके बाद मेरी पर्सनल लाइब्रेरी जिसमें करीब 3,000 किताबें हैं, उन किताबों जो
पुस्तक मेलों में मैंने जो किताबें खरीदी, एपीआरआई से जो मैंने किताबें खरीदी, पुस्तक मेले तो आपके यहाँ जन सरोकार मंच में यहाँ यहीं लगते थे, यहाँ से भी दो तीन एग्जीबिशनें थी, किताबें मैं खरीदता रहा। मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैं टोंक के बारे में मुझे बहुत कम मालूम था, ईमानदारी की बात है। 1990 से मैं यहाँ से, क्योंकि टोंक के बारे में फारसी में किताबें हैं, उर्दू में किताबें हैं, अरबी में, लेकिन हिंदी में बहुत कम। मेरे एक दोस्त थे हनुमान सिंगल, उन्होंने ज़रूर इतिहास लिखा था, लेकिन वो प्यास पूरी नहीं बुझ रही थी। ठीक है, मैंने नोट्स बनाने शुरू किए। नोट्स बनाते बनाते आप यकीन करिए कि 11 महीने हो गए हैं और मैं लगातार लिख रहा हूँ। मेरे पास टोंक जिले के इतिहास से संबंधित सामग्री इकट्ठी की। मुझे क्रिसमस से एक टाइपिस्ट मिल गया जो डेली मेरे पास आके काम कर रहा था, और आज पोजीशन ये है कि मेरे पब्लिशर ने कहा कि 900 पेज की किताब हो गई, कैसे छापोगे? हमने कहा साहब कैसे भी करेंगे, लेकिन अभी मैं मेरी तीन किताबें तैयार हो रही हैं, टोंक राजतंत्र से प्रजातंत्र तक। क्या बात। जिला टोंक के मशहूर ठिकाने एवं उनका संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, और खलील जिब्रान और उसका व्यक्तित्व, ये तीन किताबें मेरी। खलील जिब्रान पे 80% काम कर चुका हूँ, और टोंक राजतंत्र से प्रजातंत्र 99% हो गया है। दूसरी किताब भी 99% हो गई है, केवल एडिटिंग हो रही है, और अगर जिंदा रहा तो कंप्लीट कर लूँगा। बहुत सुंदर बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमें आपका सारा रचना संसार हमें पढ़ने को मिलेगा, ये लाभ हम प्राप्त कर सकेंगे आपके सानिध्य में। और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाओं के साथ आज हम यहीं रखो। थैंक यू।